नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HSC जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके द्वारा जो हाल ही में एक नए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और अगर आप इस भर्ती डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये जो यहाँ पर नोटिस है, ये HSC की जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है इस पर आ चुका है और ये आप यहां पर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपकी 3/22 है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेस 67/17 सेक्टर 2 पंचकूला। और ये देख सकते हैं आप यहां पर। तो ये जो यहां पर पब्लिश जो डेट है, ये हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुई है, 29/9/2022। ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं 6 तारीख है, क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 21 तारीख, और फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख है। तो 6 तारीख से आपके फॉर्म भरने ये शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर आप इसमें एप्लीकेशन में देख सकते हैं सीरियल नंबर पे जो आपने इसमें जो देखना है, तो वो आप यहाँ पर उसी पेज के सामने जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन की कौन सी वैकेंसी है, ये इनविटेशन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इनवाइट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 53 पोस्ट है यहाँ पर, और साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में है पोस्ट आपकी साइंटिफिक स्टाफ की, फॉर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, मेंशन बिलो थ्रो URL, ये URL है जहाँ से भी आपको भरा जाएगा। होम पेज फ्रॉम 6/10/2022 टू 21/10/2022, देर आफ्टर वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल। और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ योग्यता जैस के लिए ज़रूरी है, तो सभी कुछ जैस में बताया गया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर फोटो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो ये फोटो साइज वगैरह है यहाँ पर। और उसके बाद महत्वपूर्ण सूचना, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये URL है जहाँ से आप जब फॉर्म भरने के पेज पर जा सकते हैं, जहाँ से आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन। तो ये देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई यहाँ पर, डायरेक्टर जनरल पुलिस साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी फॉर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, कैटेगरी नंबर 1 में पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में जनरल की 1 है। पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पर 44,900 से 42,400, और ये आपकी एज है यहाँ पर 18 से 42 वर्ष। और उसके बाद जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देख सकते हैं MSc एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 है, इसमें है 6 पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SOC की, कुछ यहाँ पर स्टार लगा हुआ है EWS में, दिस पोस्ट अलो आर बींग एडवर्टाइजमेंट बट सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग बिफोर दी होनेबल सुप्रीम कोर्ट, कंट्री शैल बी गवर्नमेंट बाय दी यहाँ पर होनेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड, इनकी एक आगे फिर ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 में 4 पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ब्लास्टिक में, और यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 4, ये असिस्टेंट डॉक्यूमेंट में 6 पोस्ट असिस्टेंट डॉक्यूमेंट में, और ये क्वालिफिकेशन। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 5, असिस्टेंट सर्जोलॉजी, और इनकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद है 2 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सर्जोलॉजी में, और क्वालिफिकेशन। उसके बाद 4 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट SOC में, इनकी क्वालिफिकेशन। और 8 पोस्ट है यहाँ पर बायोलॉजी में। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी नंबर 9, ब्लास्टिक में, और 2 पोस्ट हैं। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 10,
तीन पोस्ट है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री वालों के लिए और इनकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी नंबर 11, दो पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री वालों की और क्वालिफिकेशन। कैटेगरी नंबर 12, दो पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी नंबर 13, चार पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट में, तो इसमें बीएससी जा मांगी गई है सेकंड डिवीज़न। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी नंबर 14, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, यहाँ पर भी बीएससी इसमें मांगी गई है। दो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट सरोलॉजी में, जनरल की दो है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। उसके बाद कैटेगरी नंबर 16 आ जाती है और यह है वन पोस्ट ऑफ डार्क रूम अटेंडेंट की, इसमें भी बीएससी मांगी गई है अथवा मैट्रिक हाई सेकेंडरी डिवीज़न में, और टू ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस डार्क रूम अटेंडेंट का फोटोग्राफी में। रिलैक्सेशन इन एज, उसके बाद आ जाती है यहाँ पर रिजर्वेशन। उसके बाद है यहाँ पर फीस, तो फीस आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल ऑफ फीस, कैटेगरी ऑफ पोस्ट, कैटेगरी नंबर 1 से लेकर 18 तक, मेल फीमेल जो जनरल वाले हैं इनकी 150 या फीमेल हरियाणा रेजिडेंस वाले इनकी है 75, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस हरियाणा स्टेट मेल वालों की 35 है और फीमेल वालों की 18 है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्सर्विसमैन है इनके लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया और सिलेबस, तो 95% का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है और 5 नंबर जाए साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया वाले मिलेंगे। सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जाम 95% विल बी इशू लेदर ऑन हुज डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और ये आपकी साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया है, तो किन किन को मिल सकते हैं 5 नंबर, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं क्या क्या आपके फॉर्म भरते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट वगैरह जो इनके बाद है, उसके बाद आ जाते हैं मेल प्रैक्टिस यहाँ पर। और ये है एनएक्सरे जिसे आप जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे जो एनएक्सरे आपको सर्टिफिकेट ये यहाँ पर मिल जाएंगे जो परफॉर्म है वो आपने फिर यहाँ से इसमें फिल करने हैं। और ये है यहाँ पर डिक्लेरेशन हिंदी में और इंग्लिश में। तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट HSC के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।